Today I'm going to discuss your new chapter, that is idea of sets. So first topic is, firstly, what do you mean by a set? Set hota kya hai? A set is a collection of well-defined distinct objects. The objects of a set are called members or element of the set. जब भी हम किसी चीज की ग्रुपिंग कर देते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं दैट इज नोन एज सेट. सेट क्या होता है? जब भी हम सारे ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर दे, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दे उनकी किसी भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दैट इज नोन एज सेट. क्लियर? और सेट के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे या जो भी अल्फाबेट्स आएंगे, जो भी उस ग्रुप का पार्ट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स. क्लियर? मान लो मैंने आपको बोला ए इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें सब कुछ आएगा -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. तो ये जो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये जो नंबर्स है ये उस ग्रुप का पार्ट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स और एलिमेंट्स. और जो ये पूरा ग्रुप बन गया उसको क्या बोलेंगे? सेट. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. सेट क्या है? जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं दैट इज नोन एज सेट. क्लियर? और जो भी उस सेट के अंदर मेंबर्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स या मेंबर्स. एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट इन द डेफिनेशन ऑफ सेट और डेफिनेशन ऑफ मेंबर देन जस्ट रेज योर हैंड. Yes, anybody having doubt in the definition of set? Then raise your hand. Okay. Then we call a set a well-defined collection of objects. A set a well-defined collection of objects because we can decide with absolute certainty whether a given object is a member of the set or not. हम set को हमेशा well-defined बोलते हैं. क्यों well-defined बोलते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि इस set के अंदर कौन से members आएंगे और कौन से नहीं आएंगे. Like मैंने आपको बोला एक set बनाओ year के first 3 months का, ठीक है? तो आपको क्लियर है कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा. आपको क्लियर है कि इसमें इन तीनों के अलावा और कोई नहीं आ सकता क्योंकि मैंने सेट के अंदर एंटर करने की कंडीशन क्या रखी है कि फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर. तो आपको पता है कि फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो इसके अलावा और कुछ आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता ना. तो हमारे जो सेट्स होते हैं वो हमेशा वेल डिफाइंड होते हैं और हमें पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं और कौन कौन से मेंबर्स नहीं आ सकते. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट. इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज योर हैंड. माही बेटी, आई एम अनम्यूटिंग यू. यस माही, टेल मी योर डाउट. मैम प्लीज again tell the definition of members or set. ये देखो, अभी मैंने आपको एक example दी कि आपको एक set तैयार करना है, means एक group तैयार करना है. set का मतलब क्या है? group. आपको एक group तैयार करना है first 3 months of the year. clear? अब आपको पता है इसके अंदर first 3 months of the year क्या क्या होते हैं? आप बताओ मुझे. What are the first 3 months of the year? January, February, March. ठीक है, हमें पता है इस सेट के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च आएगा. ठीक है, तो ये तीनों क्या होगे? इस सेट के मेंबर्स होगे, इस सेट के एलिमेंट्स होगे. क्लियर? यस मैम. ओके, तो मेंबर्स क्या होता है? जो उस सेट के अंदर आते हैं. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ने मिलके उस सेट को बनाया ना, so these are called the members or elements of the set. Clear? Yes ma'am. Okay, so next I'm moving further. I'm giving you some examples of the sets. First example is the set of all integers.
कि इसके अंदर अब क्या होगा, सारे इंटीजर्स का सेट आएगा. इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, 3. मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलके क्या बना देते हैं, इंटीजर्स का सेट. क्लियर? देन नेक्स्ट इज दिस सेट ऑफ द वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. इस सेट में क्या आएंगे, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू. क्लियर? ये सभी मिलके क्या बना देंगे, सेट. नाउ दिस सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें आपको इंडिया में जो जो रिवर्स फ्लो करते हैं उसका सेट बनाना है, लाइक गंगा, यमुना. ठीक है? देन नेक्स्ट वन इज दिस सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल्स. इसमें सारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स का नाम मिलके एक ग्रुप बनेगा, दैट इज नोन एज सेट. नाउ अगेन टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड. एनी डाउट इन दीज एग्जाम्पल्स? Okay, then I'm moving further. The Greek letter epsilon is used for the words belong to in an element. ये जो symbol दिया हुआ है ना E के जैसा दिखने वाला, इसको बोलते हैं epsilon. इसका मतलब क्या होता है, जहां भी आपको ये symbol दिख जाए इसका मतलब होता है belongs to. ठीक है? मान लो X belongs to A. ये आपको ऐसे symbol दिया हुआ है, X और A के बीच में ये ई का साइन है, ई के जैसा दिखने वाला साइन है, दैट इज नोन एज एप्साइलन. तो आप क्या बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए. अब इसका मतलब क्या है कि जो ये हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ये होता है हमारा सेट, और ये स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं उसके एलिमेंट्स. अगर एक्स ए सेट का एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए. मान लो मेरा ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वही मैं प्रीवियस एग्जांपल ले रही हूँ कि ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे ईयर में पहले 3 मंथ कौन से हैं. तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो जनवरी बिलोंग्स टू सेट ए. यहाँ मैं एक्स की बजाय जगह पे क्या लिख दूंगी, जनवरी बिलोंग्स टू सेट ए, फरवरी बिलोंग्स टू सेट ए. अगर कोई एलिमेंट है, अब जैसे अप्रैल इस सेट का पार्ट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, अप्रैल डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. उस ई के ऊपर एक लाइन मार दोगे जिसका क्या मतलब होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, अप्रैल डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है? तो अगर तो एप्सिलन सीधा लिखा हुआ है दैट मीन्स बिलोंग्स टू, अगर उसके ऊपर लाइन लगी हुई है मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू. नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, रेज योर हैंड. There is any doubt, raise your hand. Abhinandan, I'm unmuting you. Yes, Abhinandan and Vineet also. Vineet and Abhinandan, tell me your doubt. Ma'am, no. No doubt? I have no doubt. Okay. No, ma'am. And we need. Example third में सारी rivers का name लेना है. हाँ, अरे question में ऐसा नहीं आता, ये तो मैंने just एक example दिया. अभी आगे हम questions discuss करेंगे ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ limitations लगी होती है. ठीक है? Clear है? Okay, then I'm moving further. तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू. जब भी कोई चीज किसी सेट के अंदर, कोई भी किसी चीज, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है, देन इट बिलोंग्स टू दैट सेट. और हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल अल्फाबेट्स में डिफाइन करते हैं. क्लियर है? अब अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर बिलोंग नहीं करती तो हम एप्सिलन के ऊपर एक लाइन लगा देंगे. क्लियर है? ठीक है? तो अगर मैंने बोला कि ए, कैपिटल ए एक सेट है जो ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स को डिफाइन करता है, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च.
तो ये जनवरी बिलोंग्स टू सेट ए, फेब्रुवरी बिलोंग्स टू सेट ए, बट अप्रैल डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट ए. तो इतना इंग्लिश में लिखने की बजाय हम सिर्फ एक सिंबल का यूज कर देंगे, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू. क्लियर? हर्षित एंड निधि, एम अन म्यूटिंग यू. यस हर्षित, एनी डाउट? नो मैम. नो. एंड निधि, निधि एनी डाउट? ओके, देन आई एम मूविंग फर्दर. नेक्स्ट इज, अब हम सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की, हम मैंने बता तो दिया सेट होता क्या, अब हम उसको लिखेंगे कैसे. ठीक है, इसको हम दो वे से लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. आज हम सिर्फ टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. ठीक है, टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म. आपको पेपर में टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ भी आ सकता है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ भी आ सकता है. ठीक है, इसका मतलब सेम ही है. In this, elements of this set are listed within a pair of brackets and are separated by comma. Tabular form क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि first three months of the year. So what does it means? January, February and March. ये तीन elements आएंगे. उनको represent कैसे करना है? आपको ये दो curly braces, ये जो curly वाले brackets होते हैं ना, इसके अंदर लिखना है जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, और उनको सेपरेट किससे करना है? कॉमास के साथ. तो जब भी हम सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, देन इट इज नोन एज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सी फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स. कैपिटल एन के सेट को क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपको पहले पांच रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं. तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. तो एन इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? साइड पे दो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उनको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ commas. Harshit, I'm unmuting you. Tell me your doubt. Yes, Harshit. Infinite set to set mein hi milte. Yeah. Dobara bolo. Counting. Jaise ki hame koi counting ka set de diya to hum use set mein nahi milte na. Agar hame kisi count, hame ye bol diya कि 1 to 100 काउंटिंग के पहले 10 नंबर्स का सेट बनाओ, तो कैसे करोगे? कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करोगे. अगर ऊपर लिखा हुआ टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो कर्ली ब्रेसेस मीन्स ऐसे वाले ब्रैकेट्स को स्टार्ट करोगे, देन ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, इस टाइप के ब्रैकेट्स को आपको स्टार्ट करना है. उसमें आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, फिर ब्रैकेट्स को बंद कर दोगे. समझ लगी? कोई ना कोई लिमिटेशन तो लगाई होगी. अगर कोई लिमिटेशन नहीं है, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे. फर्स्ट दो तीन एलिमेंट्स लिख के उसके बाद डॉट लगा देंगे. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ओके, ओके. सी The next is the set of all the vowels of English alphabets. कौन कौन से vowels होते हैं English के? A, E, I, O, U. तो इसमें हम set को कैसे represent करेंगे? Again वैसे ही curly bracket से start करेंगे. A, E, I, O, U के बीच में एक एक comma लगाएंगे और end पे bracket को बंद कर देंगे. ये हमने set को represent कर दिया in the tabular form और in the roster form. Clear? Then next. नेक्स्ट इज दिस वन, दिस सेट ऑफ ऑल द लेटर्स. ये दो एग्जाम्पल्स सेम ही है, आप लोग पढ़ लेना, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना. नेक्स्ट है दिस सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स.
अब ध्यान से एक बात सुनो कि हम कभी भी सेट के अंदर किसी भी अल्फाबेट या किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। अब ये देखो, हमें सेट बनाना है मैथमेटिक्स के अल्फाबेट्स का। कौन कौन से अल्फाबेट्स है इसमें? एम ए टी एच ई। अब एम दोबारा से रिपीट हो रहा है, बट हम अपने सेट में लिखेंगे उसे एक बार ही। क्लियर? हम किसी भी चीज को सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। एम दोबारा आ रहा है, पर हमने एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ए, ए भी दोबारा आ रहा है, इसे नहीं लिखेंगे। टी भी दोबारा आ रहा है, इसे भी नहीं लिखेंगे। आई सी एस, तो एलिमेंट्स क्या बन गए? एम ए टी एच ई आई सी एस। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? देन रेज योर हैंड। क्लियर? तो आई एम मूविंग फर्दर। W is the set of last 4 months of the year. W कौन सा सेट है? इसमें हमने 4 months लिखने हैं, last 4 months of the year. हमें पता है वो क्या होते हैं? September, October, November and December. और क्या करना है? वैसे ही ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और कॉमास से आपको इसको सेपरेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो, ये एक और एग्जाम्पल है। जो बी है वो सेट है जितने भी डिजिट्स इस नंबर में गिवन है। क्लियर? अब चेक करो कौन कौन से डिजिट्स हैं। 1, 5, 3, फिर 1 आ गया, पर हमने क्या करना है? एक बार ही लिखना है। 2, 1, अब फिर 1 आ गया, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। 4 and 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो कौन कौन से नंबर्स बन गए? 1, 5, 3, 2, 4। और एक और चीज कि ये मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, चाहे आप 1, 5, 3, 2, 4 लिख दो, चाहे 1, 2, 3, 4, 4, 5 लिख दो, दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। तो मैंने क्या दो चीज नहीं बताई है आपको? कि कभी भी रेपिटिशन हो रही हो तो हम कभी भी सेट में रेपिटिशन नहीं करेंगे, सेट में उस नंबर को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। क्लियर? दूसरी चीज क्या है, जैसे अब ये था ना मंथ्स वाला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुछ भी आप आगे लिख सकते हो, कुछ भी आप पीछे लिख सकते हो, सारे आंसर्स करेक्ट है। क्लियर? इसको आपने ऐसे भी लिख दिया ना, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, वो भी सही है। क्लियर? बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और बीच में कॉमास लगाने हैं, दैट्स इट। क्लियर? समझ लगी? If there is any doubt, raise your hand. If there is any doubt, just raise your hand. चले आगे। Next, I'm going to discuss questions with you. See, write each of the following sets in roster form. First one is this set of first 7 natural numbers. कौन से होते हैं natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं। तो इस एलिमेंट्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करना क्या है? कॉमास से सेपरेट करो। ये देखो, मैंने यहाँ पे कॉमास से सेपरेट किया और कर्ली ब्रेसेस फ्रंट पे लगाए और एंड पे लगाए। दिस इज योर आंसर। अगेन, दिस सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कंडीशन क्या दिया? लेस देन 5। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, ये सब आएंगे। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए और कर्ली ब्रेसेस पे एंड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट 8 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 8 लेटर्स? A, B, C, D, E, F, G and H. क्लियर? तो ये 8 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, उनको कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। यस, अरमान कंबोज एंड स्नेहा, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस अरमान, एनी डाउट? मैम, जो सेकंड है तब मैम, द होल नंबर लेस देन 5। हाँ मैम, वो वाला दोबारा कर दो। ओके,
होल नंबर लेस देन फाइव. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. और कंडीशन क्या दी है? लेस देन फाइव, ठीक है. अब लेस देन फाइव में कौन कौन से आएंगे? जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर. अगर लेस देन इक्वल टू फाइव दिया होता तो फाइव भी लेते, उन्होंने बोला लेस देन फाइव, तो इसमें सिर्फ आएंगे जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर. क्लियर? तो फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, फिर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर लिखा, बीच में कॉमास लगा के और ब्रैकेट को बंद कर दिया, क्वेश्चन खत्म. इतना ही करना है आपको. लगी समझ? ओके. देन स्नेहा मैम, ये जो आपने सेट लिखे हैं वो अपने डिनोट नहीं करने, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3. कौन से स्टेप्स थे मैम जो पहले आपने डोनेट किए थे, मतलब सेट n इज इक्वल टू? अच्छा, उसमें ना बोला हुआ था कि जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको, उस सेट को कैपिटल n से डिनोट करना है या कैपिटल v से डिनोट करना है, या डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, इसमें उन्होंने बोला ही नहीं कि सेट को कोई अल्फाबेट देना है, आपको सीधा ब्रैकेट्स लगा के आंसर लिखना है, ठीक है. बाकी अगर फिर भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे लेट W be the set of whole numbers less than 5. फिर क्या लिखोगे? W is equal to bracket start 0, 1, 2, 3, 4. अपनी तरफ से ले सकते हो कि let W be the set of whole numbers less than 5. फिर W is equal to करके अपना आंसर लिख दो, ठीक है. क्लियर है? ओके. देन नेक्स्ट इज सिया. सिया, आई एम अनम्यूटिंग यू. Yes, Sia, tell me your doubt. Abhinandan. Mom, first ka third part. First ka third part. First, this set of five numbers, each of which is divisible by three. Paanch aise numbers, set of five numbers which are divisible by three. हमें पहले पांच नंबर लिखने होंगे जो थ्री से डिविजिबल है. एक तो थ्री खुद अपने आप से डिविजिबल है, देन सिक्स, देन नाइन. भाई थ्री का टेबल लिखना है अप टू फाइव, तो फिफ्टीन तक जाएगा. थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व एंड फिफ्टीन. अगेन फ्रंट पे ब्रैकेट लगाओ, बैक पे ब्रैकेट लगाओ और बीच में कॉमास लगाओ. समझ लगी? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, Rizul, I'm unmuting you. Yes, ma'am, एक जो first का third part है, उसमें ma'am zero नहीं लेंगे ma'am, क्योंकि zero भी divisible है three से. This set of five numbers, नहीं, हमने ना जब भी ऐसा कुछ divisible वाला आता है, तो हमने उसके table से start करना होता है, zero को consider नहीं करेंगे. ठीक है? ओके मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम. ओके, देन आई एम मूविंग फर्दर. द नेक्स्ट इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बास्केट. अब बास्केट के कौन कौन से लेटर है? बी, ए, एस, के, ई, टी. बस वो लिखोगे, उसमें कॉमास लगाओगे और फ्रंट पे ब्रैकेट और बैक पे ब्रैकेट. क्लियर? देन नेम ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर. इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. क्लियर? बस उनको कॉमास के साथ सेपरेट करोगे, फ्रंट पे कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और लास्ट पे कर्ली ब्रेसेस लगाओगे. क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज The first four odd natural number each divisible by three. ये अब ध्यान से सुनो, हमें पहले चार odd number लिखने हैं. Odd को भूलना नहीं है, जो three से divisible है. एक तो three खुद है, उसके बाद next आएगा six, but six हम नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या है? Even number. उन्होंने बोला हमें सिर्फ odd numbers लेने हैं. The next one is nine. Nine odd है, वो set में आएगा. Next is 12. 12 again even है, वो नहीं आएगा. Then 15 आएगा, 18 नहीं आएगा, 21 आएगा. हमें पहले पांच ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो थ्री से डिविजिबल है और बट
ओड है साथ में दो कंडीशन दी है द फर्स्ट फोर ओड नेचुरल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय थ्री की थ्री से डिवाइड भी हो और साथ में ओड भी हो तो थ्री से डिवाइड तो कौन कौन हो रहा है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन से ये सारे हो रहे हैं बट हमें सेट में लेने कौन से है सिर्फ ओड नंबर्स क्लियर रिजुल आई एम अनम्यूटिंग यू अरमान यू ऑल्सो Yes, tell me. Ma'am, no doubt. No doubt. Ma'am, no doubt. Yes, Arman, ma'am. Yes. Any doubt? Ma'am, no doubt. No doubt? Ma'am, no doubt. Okay. The next one is. इसके बाद ना मैंने आपको होमवर्क दिया है रोस्टर के ऊपर ही ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज के जो आप आज के लेक्चर के बाद कर सकते हो ठीक है आपको ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं जो भी डाउट होगा वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है अब मैं एक बार जो जो एग्जांपल्स रह गई हैं वो आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है मैं ये लास्ट क्वेश्चंस पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ द काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 15 एंड 35 विच ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 6 आपको 15 और 35 के बीच में वो नंबर्स का सेट बनाना है जो 6 से डिविजिबल है तो कौन कौन सा आएगा 15 और 35 के बीच में एक तो 18 है जो 6 पे जाता है ठीक है वो 6 से डिवाइड होता है 18 है 24 है और है 30 सॉरी यहाँ पे ना आंसर में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दिया मैंने 3 लिख दिया गलती से यहाँ पे 30 है क्लियर यहाँ इसके सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे 18 24 एंड 30 क्लियर 18 24 एंड 30 नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ लास्ट थ्री डेज ऑफ अ वीक कौन कौन से होते हैं थ्री डेज वीक के लास्ट वाले फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तो इस एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स क्या आ गए फ्राइडे सैटरडे एंड संडे क्लियर इफ देयर इज एनी डाउट देन जस्ट रेज योर हैंड एनी डाउट सुहानी आई एम अनम्यूटिंग यू यस सुहानी थर्ड का सेकंड पार्ट थर्ड का सेकंड पार्ट एंड रिजुल आपको कोई डाउट है आपने भी रेज हैंड किया हुआ है मैम नो डाउट ओके नेक्स्ट सुहानी सी थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट द काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 15 एंड 35 ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 6 दो कंडीशन रख दी एक तो नंबर्स होने चाहिए 15 और 35 के बीच में और दूसरी कंडीशन क्या है वो 6 से डिवाइड होने चाहिए तो कौन कौन से नंबर आएंगे 6 का टेबल करो 6 टू आर 12 वो नहीं आता इस रेंज में 15 और 35 की 6 थ्री आर 18 वो आ रहा है 15 और 35 के बीच में तो 18 आ जाएगा एक इस सेट का मेंबर 64s आर 24 वो भी इस रेंज में आ रहा है 65s आर 30 वो भी इस रेंज में आ रहा है देन 66s आर 36 वो 35 के बाहर चला गया क्योंकि हमारी रेंज है 15 टू 35 तो तीन ही नंबर्स आएंगे 18 24 और 30 यहां 3 नहीं है 30 है ये आप लोग सही कर लेना जब आप अपनी नोटबुक्स पे नोट करोगे ना यहां पे 30 है क्लियर ओके यस मैम Okay, that's all with the today's lecture. Still, if there is any doubt, then you can ask me. Again, two participants raised their hand. Harshit. Yes, Harshit, any doubt? Ma'am, ek bar book ki exercise dikhana. Kya? Book ki exercise dikhana. Homework hai. Achha, ek minute. Ye main aapko abhi waise link send kar dungi. ये है होमवर्क फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस ऑफ योर बुक ओनली फर्स्ट थ्री यू हैव टू डू क्लियर क्योंकि ये तीन ही रोस्टर के बेस पे है कल हम सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करेंगे फिर बाकी उसके बेसिस पे ठीक है okay. yeah.